हनुमान जैन लगे बैठा हुआ भाई रिक्शे वाले दे। ए रोज हूं ऐसे टाइम आना, रोज ऐसे टाइम आना, टाइम चेंज हो गया। दो बजे हूं तीन देख ला टाइम हो, भुख लगी अज सवेरे ना रोटी नाल लै जानी सही है ना। आंदे ला जाए दुकान पे रोटी खा ला, रोटी खा के उस तू बाद आ जाए इतने, ठीक है ना। ठीक है, जुत्ती पा ला, दूसरी जैन सैंडल पा ला, बूट लाई आ, सर्दी लगी है अज जान लगे। लकड़ा लैके चले घर वापस, और बाकी समान भी लै लिया, छापर भी लै लिया, रद्दी भी लै ली, और लकड़ा के पौड़ी जे इना सेफ करके जे इना रख लिया थे, हूँ टेंशन वगैरह जे इन कोई नहीं। एक साइड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दुआ करना मेरे तमाम बहन भी जिते में खुश रहे, बात रहे थे पेशा से मुस्कुरा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हाँ। और जी सामान माशाल्लाह जे इना तकरीबन विकया खड़ा, पकौड़े 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 जे इना भाई और देते, और मैं इंतजार कर रहा नुमान का, नुमान आ जाता फिर जो नुमान को बिठावगा इतने, और मैं जो शहर समान वगैरह जो लाया तो दुकान बंद कर दिता जानी को नहीं, इस करके नुमान जो बिठावगा इतने, और शाम तो पहले पहले जो समान वगैरह जो लाया वा, क्योंकि लकड़ा जी खत्म हुई हुई, लकड़ा जी लैके आनिया ने, और दूसरा जो आलू चिप्स वाले खत्म हो पे, बाकी पकौड़े जो चिट्टे आलू पैन लेकिन थोड़े जे पैन नाल, आलू जो चिप्स वास्ते 5 किलो जो लैने, और दूसरे जो चने लैने ने इंशाल्लाह सवेरे जी ना चने चाट जी ना वो लैनी आ, और रोल जो अस सवेरे इंशाल्लाह जो ज्यादा बनावे टाइम ना जो खत्म हो गया, रोल सिर्फ और सिर्फ जेड़ना 5 रोल जो लै रह गए। और अच्छ माशाल्लाह सेल, क्योंकि मौसम जो तब्दील होया ना, सेल माशाल्लाह जी ना ठीक ठाक हो गई है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया ना, ठंडा मौसम है, इस मौसम में जो समोसा पकौड़ा जेड़ना ज्यादा खरीदार, और अच्छ का भी पता है जेड़ना समोसे जेड़ना वो पूछे ने, लेकिन आज जो सवेरे इंशाल्लाह जो समोसे भी बनावे, और मैदा थोड़ा पियाना सवेरे इंशाल्लाह समोसे भी बनाने, तो सवेरे मैदा जो है ना वो भी किलो को लैना, मेरे को रद्दी जी ना बिल्कुल खत्म, वो भी अच्छी जी ना बच्चों को लई उन्होंने स्कूल की जी ना कापियाँ खत्म हुई हुई हैं, ऐ जी ने लई सी रद्दी, और ये भी खत्म होगी, 2-3 पेज जेड़े ना रह गए मेरे को, और रद्दी जी ना ये लैके आनी, और दूसरा जी ना रुपए वाली जी ना इमली वो लैके आनी, और तंदूर वाले भाई और कल चावन आना सी, अज भी नहीं आए ने तंदूर जेड़ा चक्कन, हनुमान आ जाता क्योंकि स्कूलों के टाइम हो गए चेंज, क्योंकि पहले जो 7 बजे स्कूल लगता स 7:30 बजे, और नुमान छुट्टी हो जाती सी 12:45 जो रक्षे वाला भाई जो है तकरीबन इतने 1:30 बजे को लैके जाना पहुँच जाता सी, लेकिन हूँ चेंज हो गया टाइम, छुट्टी जी ना नुमान और होनी है 1:30 बजे, और रक्षे वाला भाई नुमान लाया वे कि 2:30-3 बजे तकरीब लाया वे, क्योंकि उन्हें 4-5 स्कूलों बच्चे जेना इकट्ठे करने होंगे, इस वजह से चेंज लेट हो जाने, अल्लाह का लख लख शुक्र है अज मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ, क्योंकि समान वगैरह जो ठीक ठाक भी क्या गाहक पैन ना सेल जी ना ज़्यादा हो जाती है, अगर गाहक ना हो तो समान थोड़े पैसे निकलता, और आज माशाल्लाह सेल जी ना ठीक हो गई है, और मैं जैन बैठा समान आ जाता एक जो शॉपर लेके आना, आज समझ लो कि मैं डर डर के दुकान पर बैठा रहा, क्योंकि पहले बदल वगैरह जो ना काफ़ी सारा सी, लेकिन हूँ तो इन्ना बदल जो ना कोई नहीं आ, पहले जो ना घंटा पहले बदल जो ना काफ़ी सारा सी, 10 फुट का शॉपर जो लैना दुकान वास्ते, जो बारिश अगर आ जाती पैमें जे उपर छापर जेना वो दे लिया करांगे, और अंदरले टोया वास्ते जेना 10 फुट का छापर लैना, लकड़ा लैनियाँ छापर लैने, रद्दी लैनी, मैदा लैना, चने लैने, काफ़ी सारी चीज़ा ने बोल ना मैं जावा, लेकिन नुमान आ जाता तो फिर जो सुन लैन याद करके निकलने हैं जी। तो मैं भी घरे आ गया, मैं बेगम साहब और जो दस देवे नुमान जो 3-1 बजे तो घर जेना पहुँचेगा, क्योंकि छुट्टी जी ने मैं फोन करके जो कन्फर्म किया, उन्हें आख्या 2:15 बजे जी ने छुट्टी होगी, तो रक्षे वाला जो उन्होंने समझ लो कुछ लवेगा 2:30 बजे, क्योंकि 2:25 तो छुट्टी होनी है, तो 2:30 बजे जाना रक्षे वाला जो उन्होंने उतु लवेगा, वो तकरीबन आंदे आंदे अद्धा घंटा लग जाना, 3 बजे जाना फैनली नुमान 3 बजे घर पहुँचना, परेशान ना हो नहीं, टाइम तब्दील हो गया ना, सवेरे इतों लाए भी रक्षे वाला 8 बजे गया, तो इस करके जो छुट्टी हो जाए, क्योंकि दिन हम छोटे हो गए ना, तो इस वजह तो जो छुट्टी जी लेट हो ही करेगी, हाँ सवेरे ने उन्होंने ब्रैड जेड़े ना तुसी, बल्कि ब्रैड नहीं देना नाल तुसी उन्होंने साबित रोटी जी ने बना के देनी है, तो सेब जेड़े मैं शहर चक्कर लगे सेब अद्धा किलो लैवगा, नाल उन्होंने एक सेब देना,
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੇਟ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ 2 ਬ੍ਰੈਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ 30 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ 30 ਰੁਪਈਆ ਔਰ ਬ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ? ਨਾ ਬ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੈਡ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ, ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਆਓ ਬੈਠੀ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਾਂ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨੁਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨੁਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਨ ਲਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਚਿਪਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਬਸ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਔਰ ਰੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਨੇ ਆ, ਨੁਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੀ ਥਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਪਸ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਨੁਮਾਨ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ ਖੋਤਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਨ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਨੁਮਾਨ ਕੋ ਥੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਚੱਕ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਥਾਲ ਪਏ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਥਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖੜਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨੁਮਾਨ ਦਾ। ਨੁਮਾਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ, ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ, ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਜੇ ਹੁਣ 3 ਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਆ ਥਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਲਾ ਜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡਲ ਪਾ ਲਾ, ਬੂਟ ਲਾਈ ਆ, ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਆਈ ਅੱਜ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ, ਚਲ ਆ ਬੈਗ ਵੀ ਲਈ ਜਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਦੁਕਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ ਨਾ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਣ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ ਕੋਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਨ ਕੋ ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜਾ ਚਕੀਜਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਨੁਮਾਨ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ, ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੱਕੜਾ ਲੈਣੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮੀ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਜੈਨ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਨੁਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ, ਲੱਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਘਰ ਵਾਪਸ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਛਾਪਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਰੱਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਔਰ ਲੱਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਪੂਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਲੱਕੜਾ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਲੈ ਲਈ, 3 ਘੰਟਾ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਰੱਦੀ ਲਾ ਲਵੀਏ, ਰੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਔਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਚਾਵਲ, ਔਰ ਚਾਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਹੋਇਆ, 3 ਸ਼ਾਲਾ ਮਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਕਰਾ ਲਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਲਾ, ਔਰ ਨੁਮਾਨ ਕੋ ਰੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਬਚਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦਾ ਗਿਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਆਏ ਨੇ? 10 ਇੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਕੜਾ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ, ਮਿਸਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਲੱਕੜਾ ਲਾਈ ਆਵਾਂ,
ठीक हो रद्दी जे नुमान जे ना कड़ाती या तो रद्दी बिल्कुल खत्म हुई हुई सी और मैं उन सारे पहले जे ना लाल हमा लकड़ा और लकड़ा दी थी टेंशन खत्म हुई डेढ़ मारने उन हफ्ता जे ना पूरे जे ना खत्म नहीं हुंदी मैं दा 5-6 दिन जे ना पै जान घर दे भी और सामान वगैरह जे ना वो भी तलिंदा लवेगा और सारे पहले जे ना लकड़ा में लाल मान और छापर जे ना लैन दा 200 दा लैन दा इना तंदूरा कण 200 दा जे ना लैन दा बाहर जे दुकान कण पहले वाला छापर जे लैन दा सी मोटा सी हार्ड छापर वो जो है ना वजनी महंगे वाला जो है ना सस्ते वाला वो तोल के देंगे ये वाला जो छापर फुटा ना जो है मिल जाता मैं कहना तंदूर खालियां जो है ना पाना तो उपरों जो उधर समान से जो पाना जिस टाइम बारह छानी है इस वजह से जो है हल्का छापर थोड़ा जि लिया जी तो लकड़ा जो सारिया ला के किचन ने जो रखी खुरजी जी ने बाई और जो दे आया और मैं भी जाना अपने वाली खुरजी जी की ना बनवानी आ क्यों कहते जाना पटे वाली जगह तो वो जाना थले लकड़ वाली जगह जी ये टुटी हुई है ये जी ना बन जाएगी लेकिन इतू जी ना बननी कौन साई वालू जी बननी जिसके खुरजियाँ जी ना बनदिया ने वो पटे जे वो भी नवे पवाने और दूसरा नवी तो जी ले ही नहीं जाती तकरीबन 6-7 हज़ार रुपए की है तो इस 1000 रुपये खर्चे होना इन बनवावे हाँ अच्छा जी क्योंकि तंदूर के सीजन के आवन तो पहला पहला जेने बनवावे क्योंकि तंदूर जेना इसे जेना देने ने और दाने भी जेना लेने ने मैं भी जाना पै दुकान पर जाना आ गए हम रात और शाम तक जाना किराने का समान जाना कोई काफी जाना बिक जाए और सरफ का जाना एक पैकेट जाना बिकया और बाकी जाना खाण पीने वाली चीज़ा जाना चोन बिक गई और सारा किराने का जाना सेल जाना लहदा रखनी जी परसों जाना किराने की सैर लहदा रखी थी समोसे पकौड़े लहदा क्योंकि किराने का जो सारा पैसा जाना जमा करके एक बार जाना फिर जे जो सारा वेख गया ना उदो फिर जाना उन्होंने पैसे का जाना समान जाना लै आवे तो मैं भी जाना अंदर आ गया सारे पहले जाना छापर ये जाना बना लवीए क्योंकि मौसम जो है तब्दील होने टाइम को नहीं लगता क्योंकि रात में मौसम साफ थी लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा आई और बदल वगैरह थोड़ा बहुत इधरों आ रहा हवा भी जाना चल रही है ठंडी मैं कह जाना छापर काट के जाना ये रख लें दूसरा जाना तंदूर का छापर जाना वो भी काट लें अच्छा रोल जाना रोल आप शाम भर के रख लेने ठीक हो गया ना हाँ और यह जो उन्हें टोड़े वास्ते लैन दा 10 फुट का ठीक है ना यह 10 फुट का बाहर दुकान वास्ते लैन दा हाँ 10-10 फुट लैन दे क्योंकि बाहर दुकान दे नहीं तंदूर तो नहीं पाना बारह छा गई थी अरे काट के रख लें ठीक हो गया ना काट के अंदर रख दें जिमें दूसरा छापर से और ये पहले वाले हौले लैन देन तकड़ा छापर से मैं तंदूर से पाने किसी टाइम इस्तेमाल दुकान के वास्ते करना बिल्कुल बरीक लैन दा फुटा और सस्ता कि नहीं हवा ना जी खराब हो जाए उड 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 के तो इंशाल्लाह छापर जाना मैं काट लवा तो छापर दोवें जगह जाना काट लिया उन्होंने जो अंदर रख लो मौसम खराब होया तो फिर जान चाह लवाने ठीक हो गया ना हाँ ब्लेड के तह ला के मैं तो कहना उधर मांग रख ली सही ना हाँ और जाना तह ला के जाना रख लें छापर जाना काट दुकान जाना आ गया और सिर्फ थोड़े जाना पकौड़े रह गए हैं बाकी समान दूसरा वेख गया और किराने का माशाल्लाह जाना पिया और जिस टाइम अंधेरा हो गया उस टाइम जाना दुकान इंशाल्लाह जाना कर लवेंगे बंद नुमान देती है छुट्टी मैं क्या हूँ जाना घंटा खेल ला समान मैं शाम हो टाइम नहीं जाए क्योंकि मेरा अद्धा घंटा लग जाता समान कुंजा कुंजा मैं क्या समान पूरी छुपा लेंगे फिर जाना शाम टाइम ही इंशाल्लाह बाकी दुकान जाना बंद कर लवेंगे अंधेरा भी जाना तकरीबन होने वाला है मगर पहले पहले जाना दुकान बंद कर लवेंगे हाँ सारी चीजें ला ली वो सरफ आज लैन का छापर सरफ देने छापर पाए क्योंकि बाकी खाने पीने वाली चीजें इन्हें बेचे हैं सरफ की स्मेल ना जाए और बाकी समान जो थोड़ी देर ठहर के जाना पूंज लेंगे और बाकी जाना रह गए गले और टाफिया के डब्बे दूसरी जाना बोरी जाना पहले जाना रख चलो।
और बाकी जेने रह गए ने गले गले जेने हो सकने नु फटा जेने हो सकना पहले जेने नु मार लो पंखा बंद हाल है पाइप उठा के धूप पड़ रही और इसका ने जितना की पैकेट है ना सारे गले ने भेजे हैं छोड़ लगी ने और एक गला जी ना पीछे रह गया और जी फटा जेड़ा ना वो भी चाल है हुन जे इन रखन लगे मैं पौड़ी और एक तो पौड़ी जे ना पई भी उल्टी है किचन बेच में आके जे ला के रख लिए और नुसी ते आ जे करना बड़ा मुश्किल है मौज जी ने बनानी है लेकिन हूँ दो चार दिन जी छुट्टी है जिन्हें तक जो मौसम साफ नहीं होता क्योंकि मौज बना ली तंदूर जान ली बना मिट्टी जी ने साड़ी गुमी पई है और वो बदल जान उधरली साइड तो फिर जान आ रहा काफ़ी सारा इस वजह जिनी देर तक बारिश है ना उन्नी देर तक असं जेना मौज वगैरह जी कोई नहीं बनानी ना ही जान तंदूर लिंबने जिस टाइम मौसम साफ हो गया ना उस तो बाद तंदूर मैं कह रही खुलते मैं गाहक भी आ जाता शाम टाइम जाना ना तंदूर जाना काज लवेंगे ठीक है ना क्यों कल भी शाम टाइम असं काज ले फायदे च रह गए रात में पता ही नहीं चलिया बारह जी किस टाइम जी आई है कपड़े भी साढ़े बेच गए तकरीबन जो थोड़े बहुते लेकिन बारह जो उस टाइम पता लगा जिस टाइम जो थोड़ी बहुत वस गई अगर तंदूर के उपरों लत्थे होंगे ना खराब हो जाना चलो काज लेने और जाना रोटी खा के फिर जाना काज लवेंगे ना और लाया तो मैं चावल आंदे सी लेकिन बेगम साहब और मैनू तो शहर जी थोड़ी बहुत फिर जी लेट हो गई रम्मी पूरा चला गया इन्होंने फिर जी सब्जी बना ली भी शायद ज्यादा जो लेट आवेगा तो चावल जो सवेरे जो इनशाला जी बने गए चावल फिर जी सुबह बना लिया हाँ चावल रख ठीक हो गया ना चल ठीक है रोटियां जी बना रो लकड़ा जी याद ना कज के सोनिया रात नु जी भेज गई हां चलो चलो रोटी शोटी बना लो उस बाद जी कज दी व्या खास तौर कोले अपन उतले महीने बड़े काम आने हां जी ओए चल रोटियां बना लो टाइम बदल आ रहे फिर काफी सारा रोटियां बना लो फिर रोटी खा उस बाद तंदूर जो कजने और फटे का जो कपड़ा सारे पहले जाना मैं ला लवा ला के जो अंदर रख लें ताकि बारिश जी ना आ भी जाएगी टेंशन कोई नहीं रात को बारिश आई सी कपड़ा वगैरह जो लाया हुआ सवेरे उमें सुखा कपड़ा जो पा के बाहर जो माशाल्लाह दुकान जी खोल लिए और कपड़े चल के जाना परले कमरे जितने दुकान का समान वगैरह जो सारा रखे हुआ ना उ चल के जो रख लें और बल्ब भी जो करता है बंद इतने हूँ टेंशन वगैरह जी कोई नहीं है समान जी पौड़ी जी भी कुंजी गई तंदूर बार ले रेंदे सिर्फ और अंदरले जिस टाइम बारिश आएगी उस टाइम काज लवेंगे क्योंकि फौरी तौर जो पहले डमांस नहीं काज रहे क्योंकि इतु जो डॉग लंघते टपते हैं कि तंदूर के बेचना डिगन छापर ने जो खराब कर लवें इस वजह जिस टाइम बारिश आएगी ना तो उस टाइम जो इन्होंने काज लवेंगे और फुल की तारीफ मैं जी ने इसकी करता ही रहना फिर क्योंकि फुल जो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगता इन मेरी ही नज़र ना लग जाए इस फुल क्योंकि दूरों जो है ना इतना प्यारा लगता है ना क्या बात है वैसे खूबसूरत माशाल्लाह जो लग गई बहुत रहा अगले जेड़ ए वाली और एले भी जेड़ सारे बूटे जेड़ माशाल्लाह तारीफ दे लायक हुए पे नोड़ दा सारे फुल जेड़ माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जेड़ लग रहे सारा गार्डन ही हूँ जेड़
ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਾਜਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਜੇ ਆਣਾ ਹੁਣ ਥੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਟੇਗਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੱਲਾ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਜੇ ਨਾ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜੇ ਨਾ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਨਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਜੇ ਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਜੇ ਨਾ ਪੱਕ ਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਿਆਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਲਾ ਵਲਾਗ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਸਨੈਕਸ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਵਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੈਂਡ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਜਾਜ਼ ਵਿਲੇਜ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।